हैं, दोनों साथ साथ गुरूब होते हैं। इस बात को अगर समझ लिया जाए तो फिर इख्तलाफ मतला को हकीकी तौर पर समझ लिया जाएगा। बहुत मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूं, आप लोग मुकम्मल मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाएं। पूर्णिमा के चांद को फुल मून बोलते हैं, जिस दिन वो मुकम्मल तौर पर निकला हुआ होता है, जिसको फुल मून बोलते हैं, मुकम्मल होता है, इसको इसकी वजह से उसको बद्र कामिल बोलते हैं। इसके उल्टा एक दिन ऐसा आता है कि चांद मुकम्मल तारीख होता है, एक दिन मुकम्मल रोशन होता है और एक दिन बिल्कुल उसके बरअक्स बिल्कुल तारीख होता है। जिस दिन मुकम्मल रोशन होता है वो चौदहवीं का चांद है और बद्र कामिल है, और जिस दिन मुकम्मल तारीख होता है वो अमावस्या की रात है, अमावस की रात है, जिसको अरबी में महाक बोलते हैं, कबलल महाक बेलैलतिन, अमावस की एक रात पहले, बराबर, तो वो अमावस की रात है। कैसे होता है ये जमीन अपने मेहर पर घूम रही है और सूरज के इर्द गिर्द भी घूम रही है, चांद अपने मेहर पर घूम रहा है और हमारी जमीन के इर्द गिर्द घूम रहा है। महीने में एक दिन ऐसा आता है कि सूरज चांद और जमीन एक खत पे आ जाते हैं, बिल्कुल एक खत होता है, बारीक एक खत, सूरज चांद जमीन, महीने में एक दिन ये तीनों के तीनों एक खत पर आ जाते हैं, बराबर। और आपको यह मालूम है कि सूरज की रोशनी अपनी जाती है और चांद की रोशनी मुस्तार है सूरज से, सूरज की रोशनी जब चांद के ऊपर पड़ती है और उसकी रोशनी जब जमीन पर नहीं आ पाती तो ये चांद मुकम्मल तारीख हो जाता है। सूरज की रोशनी मुकम्मल चांद के ऊपर पड़ रही है लेकिन उसकी रोशनी जमीन पर नहीं आ पाती तो चांद मुकम्मल तारीख हो जाता है, दिखाई नहीं देता, लिहाजा एक दिन वो मस्तूर रहता है, इसको कमरे मस्तूर बोलते, मस्तूर है ये। अब जिस दिन ये मस्तूर है उस दिन दोनों साथ साथ में मशरिक से निकलते हैं और मगरिब में दोनों के दोनों साथ में गुरूब होते हैं, एक दिन ऐसा होता है। जिस दिन ये मुकम्मल तारीख होता है अमावस्या के दिन को दोनों मशरिक से साथ में निकलते हैं और दोनों मगरिब में साथ ही में डूबते हैं एक ही दिन। अच्छा, और फिर जैसे ही दूसरे दिन, अब ये अमावस्या का दिन है, अब अमावस्या की रात आ रही है, आगे पाड़वा का दिन है, बराबर, तो ये अमावस्या का दिन, इस दिन ये तारीख रहता है, सूरज चांद और जमीन के एक लाइन में आ जाने के बाद, उसके बाद ये अमावस्या की रात आती है, यह अमावस्या का दिन था, अब अमावस्या की रात आती है, उसके बाद पाड़वा का दिन है। अब ये पाड़वा का जो दिन आ रहा है अमावस्या की रात के बाद, वहां सूरज जब तुलू होगा तो उसके 50 मिनट के बाद चांद तुलू होगा, यहां से शुरू होगा, और जब डूबेगा तो 50 मिनट के बाद ये पहली हलाली शक्ल बनती है और ये सऊदी अरब में दिखाई देती है, पहली हलाली शक्ल। तो ये अमावस्या के दिन दोनों मशरिक से साथ में निकलते हैं, मगरिब में साथ में डूब जाते हैं, और जैसे जैसे इस खत से ये हटता जाता है चांद, वैसे वैसे ये अपनी शक्ल बनाता जाता है, थोड़ा हटा तो पहली हलाली शक्ल बनी, उसके बाद हटा तो पहली हलाली शक्ल बनी, अरे जब एक खत पर आ गए तो मुकम्मल मस्तूर हो गया, छुप गया, अब उसके बाद हटता है, कितना हटना, उसको हटना इसको 12 डिग्री, 12 डिग्री का एक खत पर आ जाने के बाद जब ये 12 डिग्री एंगुलर सेपरेशन पर आता है, जाविया बोध जब इख्तियार करता है, जब 12 डिग्री एंगुलर सेपरेशन इख्तियार करता है, जाविया बोध इख्तियार करता है, तो इसकी पहली हलाली शक्ल बनती है और उसके बाद दूसरे दिन एक शक्ल बनती है, तीसरे दिन एक शक्ल बनती है, चौथे दिन एक शक्ल बनती है, उसके बाद यह फुल मून हो जाता है। यह है चांद की गर्दिशें और उनको इस अंदाज से समझना। गौर कीजिए कि यह अमावस्या का दिन था जिस दिन चांद मस्तूर था,
साथ साथ निकले, साथ साथ डूब गए। रात अमावस्या की थी, पाड़वा के दिन सूरज निकला, 50 मिनट बाद चांद तुलू हुआ। अब 12 डिग्री जाविया ही बोध है, एंगुलर सेपरेशन है। उसके बाद सूरज आगे आगे चलता है, मगरिब में डूब जाता है। 50 मिनट के बाद चांद गुरूब होता है और उसकी पहली हलाली शक्ल बनती है। याद रहे कि ये पहली हलाली शक्ल जब बन गई तो अभी चांद यही है कि जमीन पूरी की पूरी गर्दिश करके इस चांद को पा लेती है। सारे ममालिक में ये चांद जाहिर रहता है, कहीं दिखाई देता है कहीं नहीं दिखाई देता, लेकिन पूरी दुनिया घूम जाती है पहली हलाली शक्ल के ऊपर। और ये एक फलकियाती हकीकत है, इसका कोई इनकार अगर करे तो उसका यही मतलब होगा कि उसको फलकियात के इल्म से कोई लेना देना नहीं है, उसको फलकियात का इल्म आता ही, लिहाजा इस बाब में कतान गुफ्तगू ना करें, उसको गुफ्तगू करने का हक नहीं है। उसको मैं एक मिसाल से समझा दूं। ये देखिए, ये जमीन है, ये जमीन 24 घंटे में अपने मेहर पर घूम जाती है, दिन और रात हो गए। चांद 30 दिन के अंदर जमीन का राउंड लेता है, तो अभी ये यहां निकला, अभी इसको 30 दिन के अंदर जमीन की गर्दिश पूरी करनी है। अभी यही है कि जमीन घूम करके पूरा उसको ले लेती है, अभी वही है और पूरी जमीन घूम जाती है। गोया कि दुनिया के तमाम ममालिक ने चांद की हिलाली शक्ल को पा लिया है, पहली शक्ल को पा लिया है। यह तो एकदम बदीही बात है। इल्मे फलकिया का मामूली तालिबे इल्म उसको जानता है, उस हलाली शक्ल को पूरी दुनिया के ममालिक पा लेते हैं, पूरी जमीन घूम जाती है उस हलाली शक्ल के ऊपर।